सेवा व समर्पण अभियानाअंतर्गत जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरील प्रदर्शनीचे आयोजन हे पनवेलमध्ये करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनीला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश यांनी रविवारी भेट दिली. यावेळी त्यांनी ही प्रदर्शनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जीवनी नसून देशाच्या लोकतंत्राची विकासगाथा असल्याचे मत व्यक्त केले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या सूचनेनुसार 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर 2021 या काळात सेवा व समर्पण अभियान विविध कार्यक्रमांद्वारे साजरा होणार आहे. त्यानुसार जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात विविध समाज उपयोगी उपक्रम राबवले जात आहेत. त्या अनुषंगाने उत्तर रायगड जिल्हा आणि पनवेल भाजपच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्व व जीवनावरील आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनीचे ओरियन मॉलमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनीला भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश, कार्यकारिणी सदस्य अरविंद दमाणी आणि प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी रविवारी भेट दिली. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास महाराष्ट्रभरात आपल्या व्याख्यानातून पोहोचवणाऱ्या विवेक परशुराम भोपी यांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी युवा मोर्चा उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेतकर, युवा नेते हॅपी सिंग, हर्षवर्धन पाटील, सरचिटणीस दिनेश खानावकर, चिन्मय समेळ, जमीर शेख, सचिव ऍडव्होकेट ऋषिकेश जोशी, निखिल चव्हाण, आत्मनिर्भर भारत सहसंयोजक नूतन पाटील, आत्मनिर्भर भारत संयोजक आकाश भाटी, सुनील राणा, प्रशांत कदम, परेश पाटील, मिहिर देसाई, तेजस जाधव, पनवेल शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, देवांशु प्रबाळे, चंद्रकांत मंजुळे, अजिंक्य भिडे, सतीश पाटील, किरण जाधव, नवनाथ भोसले, अमित जावरे, प्रवीण कोरडे, ओमकार पाटील, स्वप्नील मुकादम यांच्यासह युवा मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. जसे विक्रांत जी बता रहे थे कि मेरा सौभाग्य है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की भूमि पे आया हूँ, रायगढ़ में आया हूँ. मैं इसको अपना सौभाग्य इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि मैं अयोध्या से आ रहा हूँ और श्रीराम की भूमि पे, श्रीराम के जो आदर्श था, जो रामराज्य का आदर्श था, उसको कृपाशाही के खिलाफ युद्ध करके पुनर्स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे आते हैं. मैं इसके लिए आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को किया और मुझे यहाँ बुला. साथियों, आज जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं और इसके अवसर पर नव भारत उत्सव मना रहे हैं, तो इसे एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं है, ये हमें समझना होगा. ये जो कहानी बनी है इसे प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की विकास गाथा है. एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है. ये उस लोकतंत्र का उत्सव है, ये उस लोकतंत्र की महिमा है, जो उसकी गाथा है. आज जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स की है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, हमको जितना पता है उसने की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पूरी की पूरी जनता को समर्पित है. मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं आज भी करता हूँ, एक बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, जिसके अंदर करीब 2 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है. और ये 2 करोड़ साथियों वैसे लोग थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे कि अपने इलाज करा सकें, ऑपरेशन करा सकें, दुख झेलते थे, दर्द झेलते थे, जिंदगी बीत जाती थी उसमें या काल मृत्यु हो जाती थी. आज 2 करोड़ लोग इस देश में जीवित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सरकार की सीट पर बैठे हैं. आज करोड़ों घरों में बिजली है, भारत के सभी गांव में बिजली पहुंची है. पिछले 2 साल में ही 4 करोड़ से अधिक घरों में पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंच रहा है. लोगों के पास इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री आवास के तहत लाखों घर बनाए जा रहे हैं. ये सब इसीलिए है कि इस लोकतंत्र देश देश की जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो जनता के बीच से आता है. और ये उत्सव, ये नव भारत उत्सव उसी लोकतंत्र की मैंडेट का, उसी लोकतंत्र की परंपरा का उत्सव है और इसीलिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले यहाँ के जनप्रिय विधायक प्रशांत ठाकुर जी ने बहुत ही सोच समझ कर, मुझे लगता है, स्थल को चुना है. यहाँ पर सारी जनता आ रही है, सारी यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इसी प्रदर्शनी का उद्देश्य था. हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे कार्यक्रम हो उसमें युवा मोर्चा के 100-200 लोग आ जाएँ, किसी पार्टी कार्यालय में लगा दिया जाए या कहीं पर दूर पिकनिक स्पॉट पर कर दिया जाए.
हमारा उद्देश्य ही जनता तक पहुंचना, उन तक अपनी पार्टी का, अपने मोर्चा का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने विधायक का, अपने सांसद जी का जो कार्य है उसको जनता तक पहुंचाना, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनसे संवाद स्थापित करना। नरेंद्र जी मोदी जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तो है, लेकिन पूरे जग भर से जिनको मान्यता प्राप्त है और सभी जग भर के देश आज भारत माता को एक अलग रूप से देखने लगे, भारत एक विश्वगुरु बनने की ओर प्रस्थान कर चुका, तो जिनके कारण इस भूमि पर हो रहा है वो हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। इनके जन्मदिन के अवसर पर कल 17 सितंबर को हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका समारोह 7 अक्टूबर को 21 दिन बाद हम करेंगे। 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन था और 7 अक्टूबर वो तारीख है जब मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री कर पहली बार वो विराजमान हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर में तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आज इस पनवेल में, रायगढ़ जिला में, इस प्रदर्शनी कार्यक्रम के लिए इस नव भारत मेला, आप बोलते हैं हम कहते हैं नव भारत महोत्सव, इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपस्थिति सर आपकी हमें प्राप्त हुई। सम्माननीय अभिनव प्रकाश जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, सम्माननीय अरविंद जी तमानी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, मैं आप सभी का यहाँ पर इस पनवेल की भूमि में स्वागत करता हूँ। सर आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भाग्य है कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। अभी हमारे जो वक्ता थे उन्होंने मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कहने का प्रयास किया तो दिल को भा गया, लेकिन आपका भाग्य है इसलिए कह रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संघर्ष किया, पूरा वर्ल्ड उनको सल्यूट करता है, नेपोलियन बोनापार्ट से भी ज्यादा ताकतवर कोई नेता था तो मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज था, और उन्होंने उनके संघर्षमय काल जो कारकिर्दी रही उसमें काफी किले हासिल किए, काफी किले जीते, लेकिन सभी इस स्वराज्य की राजधानी यदि कोई थी तो वो रायगढ़ जिला की, रायगढ़ की रायगढ़ फोर्ट जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, वो रायगढ़ की भूमि में आकर यहाँ पे आए हुए, तो इसलिए आप सभी का भाग्य है, मेरा भाग्य है तो मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, आपका ये मैं भाग्य मानता हूँ कि आज इस प्रवास में जाते जाते रायगढ़ के भूमि पे आने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। तो ऐसी ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मरने वाली भूमि है। इस भूमि में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो काम किया जा रहा है, हमारे जिला के अध्यक्ष मनोजी नेतकर एक संघर्षशील नेतृत्व है, जो भी कार्यक्रम समाज सेवा का रहे, पार्टी की ओर से आने वाला रहे, ताकत से करने का प्रयास हमेशा उन्होंने किया है और हर कार्यक्रम को न्याय देने का प्रयास किया है। हमारे सभी नेता, मेरे प्रदेश के सहकारी हैं, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष है, हमारे हरि सिंह जी है, सभी मान्यवर, मैं सभी का स्वागत करता हूँ और एक उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ पे आपने किया, इतने अच्छे लोकेशन पे उसको किया। ये कार्यक्रम जिस तरीके से होना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सपेक्टेड था, एक चुनाव लोगों का जहाँ पे आना जाना है पब्लिक प्लेस में ये होना चाहिए, ये विषय लोगों तक पहुँचना चाहिए, भावना इसके पीछे थी, ये भावना मनोजी आपकी संपूर्ण टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से साकार किया हुआ है। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश जी, महाराष्ट्र युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत पाटिल जी जो अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, प्रशांत ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष नित्या जी, मयूर, अन्य प्रदेश के पदाधिकारी गण और यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों, यह हमारा सौभाग्य है कि जिस नेता ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कोंकण से लेकर कोहिमा तक पूरे देश को एक विकास के सूत्र में बांध दिया, वैसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता आज के डेट पे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाने का ये सेवा और समर्पण कार्यक्रम के द्वारा
करने का हमें सौभाग्य मिला है। और जिस रूप से आप लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है यहाँ, और इतने सुंदर रूप से ये प्रदर्शनी लोग सब देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, हमारे जो नेता है और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, देश के तो प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय सबसे बड़े नेता देश के, मोदी जी का जो जीवन है ये अपने आप में एक प्रेरणा देने वाला जीवन है। और ये बड़ा ही संयोग है कि 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था और 20 दिन बाद 7 अक्टूबर को उनको 20 साल होने को है, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से लेके आज देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और बीते 20 वर्षों में उन्होंने जिस प्रकार लोगों के गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं के जीवन में किस प्रकार बदलाव लाने में सक्षम रहे हैं, ये पूरा प्रदर्शनी उस चीज़ को बहुत ही सुंदर रूप से हमें बताता है। और ये लोगों तक जाना ज़रूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर और इतना अच्छा काम किया जिससे आज पूरे देश में एक विकास की लहर चल गई है।